हेलो नमस्ते, वेलकम आपका हमारे प्यारे से चैनल राधा मोदी केयर पे। तो वेलकम करती हूँ आपका। और जो आज की जो वीडियो बनाई है मैंने, वो बनाई है बेसिकली एक फंक्शन है जिसको हम घड़ोली बोलते हैं। पंजाबी लोग हैं तो समझ चुके होंगे घड़ोली क्या चीज़ होती है। तो यहाँ पे हम घड़ोली की तैयारी कर रहे हैं, उसको बेसिकली हम वैसे तो बहुत अच्छे तरीके से सजाते हैं, बट हमें यहाँ पर टाइम नहीं मिला तो हम यहाँ पे ओम गणेश कहते हैं। ओम गणेश यहाँ बन जाए तो ऑटोमेटिकली सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे ओम गणेश बना रहे हैं और आज ये सुबह घड़ोली सुबह तारों की छाँव में भरने जाते हैं, तो इसको भरने जाने की तैयारी हो रही है। और ये जो भरते हैं घड़ोली भरती है दुल्हन की भाभी, दूल्हे की भाभी। तो यहाँ पे दुल्हन की भाभी तैयार हो रही हैं, तो उनके साथ साथ हम घड़ोली को भी तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे पूरी फैमिली सो रही है और हम तैयारी कर रहे हैं सुबह जाने की। तो आप भी वीडियो में अंत तक बने रहे और इस पूरे जो भी हमारा जो रीति रिवाज है उनको फॉलो कर कैसे करते हैं वो सारा आप देख सकते हैं इस चैनल पर। तो थैंक यू सो मच आपका कनेक्ट रहने के लिए इस चैनल पर। यहाँ पे कुछ रीति रिवाज को फॉलो करते हुए हम सुबह की घड़ोली का टाइम है। जैसे कि पंजाबी लोग हैं तो उनको पता होता है कि घड़ोली क्या होता है। तो यहाँ पे हम घड़ोली बनने जा रहे हैं और सामने ही प्रभात फेरी निकल रही है। सुबह सुबह गांव वगैरह में प्रभात फेरी अभी भी निकलती है। तो यहाँ पे हम जो जो घर है दुल्हन का उसके घर के पीछे ही जगह है, तो वहाँ पे हम घड़ोली बनने जा रहे हैं। और एक ये भी एक रीति रिवाज है, तो प्लीज़ पूरा वीडियो को देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है आपको तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए प्लीज़। नल कपल का नहीं है हमारे यहाँ पे, हम पाइप से भरेंगे। मम्मी से नहा लो, नहाई तो हो रही, तुम्हें भी मम्मी से नहा लो। बनेगा। मैं आपको और पहले एक चीज बता देती हूँ, जो घड़ोली होती है वो दुल्हन की भाभी भरती है। तो यहाँ पे दुल्हन की भाभी है जो घड़ोली उठा के लाई है, और यहाँ पे कुछ दुल्हन की मम्मी उनको बता रही हैं कि किस तरीके से घड़ोली भरने से पहले यहाँ पे थोड़ी सी छोटी सी एक पूजा होगी, तो पूजा करवाएंगी वो। और पूजा करवाने के बाद इस घड़ोली में पानी भरा जाएगा, और ये घड़ोली में जो पानी होता है बेसिकली वो दुल्हन नहाती है इस पानी से। और उसके बाद ही जो आज की डेट में पार्लर वगैरह जाते थे, पहले कोई पार्लर वगैरह नहीं जाता था, घर में ही तैयार होते थे, बट अब इस नहाने के बाद ही पार्लर जाती हैं दुल्हन। तो ये घड़ोली का पानी जो है वो बेसिकली इस काम आता है। और यहाँ पर दुल्हन की जो भाभी है वो ओम गणेश जी बनाएंगी और उसकी पूरे प्रॉपर वे में पूजा होगी, फिर उसके बाद पानी भरा जाएगा इसमें। पहले ये जरूरत
खत्म होती थी वो हेडपम्प से या कुएं से जाके करते थे लोग। बस गर्मी हो गई बस जय श्री राम। नालो नादी को ऐसी भी होनी नानी को तो मच्छर खा रहे लाइट बढ़िया फोटो ले लियो। यहाँ पर घड़ोली लेके पहुँच चुके हैं दुल्हन के घर पर और दुल्हन की मम्मी अब यहाँ पे तेल चौना करेगी, मतलब तेल डालेगी और वेलकम करेगी जो घड़ोली है उसका और भाभी का। तो यहाँ पे नाच गाना भी हो रहा है थोड़ा सा मस्ती फन के साथ। तो हम पहुँच चुके हैं दुल्हन के घर पर और दुल्हन की मम्मी अभी आती होंगी। अब जैसे कि मैंने बताया था कि तेल चौना होगा, यहाँ पे तेल डाल रही हैं और वेलकम करके उनको अंदर बुलाएंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और बता देती हूँ आपको, यहाँ पे दुल्हन की जो भाभी होती है उसको इस समय सगन भी दिया जाता है घड़ोली उतारने का और यहाँ पे सूट भी मिलता है उनको। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मजाक जो है उनको कि आधा आधा कर लेते हैं, बट ऐसा होता नहीं है, कुछ मजाक होता है। तो थैंक यू सो मच आपका वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए, इतना प्यार इतना सपोर्ट करने के लिए। और भी आप मेरी पुरानी वीडियोज़ देख सकते हैं, पुरानी वीडियोज़ में आपको देखने को मिलेगी आरती की शादी सगन में क्या क्या हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक कमेंट जरूर कर दिया कीजिए, ताकि और मज़ा आए, फन मज़ा आए मुझे बनाने में वीडियोस। वैसे मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बट और मज़ा चाहती हूँ कि मैं और अच्छा लगे आपको, अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ आपसे मिलती रहूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, आपने पूरी वीडियो को अंत तक देखा, उस प्यार और सपोर्ट के लिए।